it it is totally up to you. So when I started, I took guidance from a teacher, but uske baad I realized that self preparation is something which is more essential in my case, because main cheezon ko absorb karne mein I used to take a lot of time. So I will say that coaching is not at all mandatory. Wherever you are, you can go ahead and start your preparation and do your preparation and take guidance from the online sources. So what is the benefit right now is that we have a lot of online sources which are available. तो आप उनकी गाइडेंस के थ्रू जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देख सकते हैं. तो नेसेसरी नहीं है. एट द सेम टाइम अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो आई थिंक इट गिव्स यू अ बूस्ट ऑल्सो कि आप स्टार्टिंग आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं है देन आई थिंक यू कैन ज्वाइन. बट उसके साथ साथ भी आप प्रेपरेशन ज़रूर करते रहें. तो ये एक जो स्टैटिक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, हमारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप बुक्स के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं. और जो करंट अफेयर्स है उसमें आप द हिंदू मैंने फॉलो किया था. आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बट न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी. सो दिस इज़ वन पॉइंट आई वुड वॉन्ट टू हाईलाइट. क्या मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये मिस्टेक की थी कि मैंने न्यूज़पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एंड आई रिलाइड सोलली ऑन द कंपाइल्ड मटेरियल विच वॉज अवेलेबल ऑनलाइन. जितना भी ऑनलाइन हमारा अगर कोई करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आ गई तो मैंने सिर्फ उसी को फॉलो करने की कोशिश की और न्यूज़पेपर्स को थोड़ा सा बाईपास कर दिया था. बट ड्यूरिंग माई सेकेंड अटैम्प्ट आई रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी. सो न्यूज़पेपर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. And I will also discuss how to read the newspaper. Okay, Pavan will also come on sociology notes. I have been reading your questions. So yes, hi everyone. I know that you are very eager to listen, but please do drop the questions. It will be more relevant. Agar aap mujhe questions drop karein, and this session can be more productive that way. So yeah, we were talking about current affairs because I think most of you have a confusion because it is very very bulky. तो कितने साल का करना है, उसको किस तरह से कवर किया जाए और वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस. करंट अफेयर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस में, प्रीलिम्स में तो कभी स्टैटिक पोर्शन भी बहुत रेलिवेंट रहता है और करंट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. और मेंस में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं. बाय कोटिंग द करंट अफेयर्स एग्जांपल्स यू कैन फेच रियली गुड मार्क्स. सो करंट अफेयर्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड द राइट वे टू गो अबाउट इट फॉर मी विच आई फेल्ट वॉज विच वर्कड वॉज नंबर वन न्यूज़पेपर रीडिंग. नंबर टू आई ऑल्सो फॉलोड ए ऑनलाइन करंट अफेयर्स कंपाइलेशन सोर्स विद द न्यूज़पेपर बिकॉज अदरवाइज न्यूज़पेपर्स में से नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड आई विल नॉट इवन एडवाइज़ कि आप डेली नोट मेकिंग करें न्यूज़पेपर में से. जस्ट यू कैन नोट डाउन सम रेलिवेंट पॉइंट्स फॉर द मेन्स इफ़ यू फील दैट सम लाइन इज़ इंटरेस्टिंग और यू कैन नोट डाउन इन द पॉइंट फॉर्मैट. सो दैट कैन बी डन. And the third thing is revision. So in current affairs, what problem I faced was that it became difficult for me to revise at the end because it is very, very bulky. I personally did 1.5 years ka current affair. So how did I revise it was that my current affairs ka jo bhi compilation rehta tha, daily news analysis that I used to follow, I used to compile it like I used to take a printout of the daily news analysis, keep it in one folder, and monthly revisions I used to do of the current affairs. And then towards the end, I also made sure that I revised that monthly folders again and again. So that is how you can cover your current affairs and also be a little more inquisitive when you read the newspaper. तो what I mean by this is कि जैसे अगर आपने सपोज कीजिए न्यूज़पेपर में किसी नेशनल पार्क का नाम पढ़ा एंड आपको उसकी लोकेशन पता नहीं है तो और आपको ये लग रहा है कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है तो आप उसके बारे में गूगल कर लीजिए. सो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ आपने नेशनल पार्क का नाम पढ़ लिया एंड यू थिंक कि यू आर डन विद इट. वॉट इज़ द राइट वेज कि आप उसको गूगल कीजिए, जस्ट मेक अ स्मॉल नोट ऑफ इट और जो भी आपकी डेली न्यूज़ की आप कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें एक आप छोटा सा नोट बना लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू रीड इट यू ऑल्सो टेंड टू रिवाइज दिस थिंग. येस प्रिंस आई विल ट्राई टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ताकि सबको समझ आता रहे.
तो आई होप कि करंट अफेयर्स में आपके कोई और डाउट्स नहीं है. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग करंट अफेयर्स इन प्री और मेंस? ओके, सो देर आई कैन नॉट टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर बिकॉज एवरी ईयर समटाइम्स करंट अफेयर्स डोमिनेट, समटाइम्स स्टैटिक डोमिनेट्स. बट एज आई मेंशन कि करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. एंड सेकेंडली मेन्स में यू कैन कोट वेरी रेलिवेंट एग्जाम्पल्स. So in UPSC, I think we cannot ever predict that which portion is going to dominate. So it's very important that we give equal weightage to all the portions. So that is why I would also recommend that please do not go a lot about these analyses which are done. जो ये मार्केट में एनालिसिस आते हैं कि इतने साल से ये वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंस में है एग्ज़ाम में, या फिर ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो उन चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान ना दीजिए और हर अपने पोर्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से पोर्शन से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएँ. एंड आई एम श्योर यू विल नॉट वॉन्ट टू टेक अ चांस हियर दिस, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ एनी वे सो डाइसी, एंड फिर उसके बाद आपका एक पूरा एक और ईयर कंज्यूम कर लेता है. तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि किसी भी पोर्शन को आप वो ना करें, नज़रअंदाज ना करें. एंड इवन इन दिस बुक, इन माई वन ऑफ माई चैप्टर्स, उसमें मैंने ये चीज़ मैंशन की है कि वॉट मिस्टेक्स आई मेड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, जिसके कारण मेरा प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से रह गया था, और फिर सेकंड में मैंने उसको कैसे कवर किया. तो वन वाज आल्सो कि मैंने किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरीके से निग्लेक्ट नहीं किया. आई ट्राइड कि एटलीस्ट मैं अपने बेसिक्स करेक्ट रखूं और हर सब्जेक्ट को उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस दी जाए. तो वी विल गो ऑन द नेक्स्ट वन. हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड न्यूज़ पेपर्स शुड बी रीड? आई थिंक फॉर द करंट अफेयर्स 1.5 ईयर्स विल बी इनफ. एंड उससे ज़्यादा आप अगर चाहें भी तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है. तो अगर 1.5 ईयर्स, और 1 ईयर में ऐसा है कि आप 1 ईयर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंसोलिडेट कर लें और 1.5 ईयर्स की आपको न्यूज़ का आइडिया रहे ताकि आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें. और एक वन ऑफ द अदर क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग इज़ कि प्रिलिम्स पे मॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, सो वी विल ऑल्सो कम टू मॉक्स. एंड बिफोर दैट आई विल लाइक टू एड्रेस वन मोर थिंग. सम ऑफ यू हैव आस्क्ड कि ज्योग्राफी में इज प्लस वन प्लस टू की एनसीईआरटी इनफ? यस, आई मेजरली रिलाइड ऑन द एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी. एंड आई विल से कि 10th की एनसीईआरटी भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अलॉन्ग विद दैट जी सी लियोंग की जो बुक है, मैंने उसमें से भी काफ़ी हेल्प ली थी, और वो मेन्स पर्स्पेक्टिव से मैंने उससे ज़्यादा हेल्प ली थी. बट अगर आप एन सी आर टीज भी कर रहे हैं, दे शुड बी सफिशियंट. एंड वेन आई से आप एन सी आर टीज कर रहे हैं, आई मीन कि इट्स नॉट अबाउट वन रीडिंग और द टू रीडिंग्स. सो इट इज़ अबाउट कॉन्स्टेंट रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट पर्टिकुलर बुक. तो जैसे कि मैंने कई एस्पिरेंट्स से जिनसे इंटरेक्ट किया है, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक या दो रिविजन्स के बाद भी वी स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल बोर्ड, कि शायद सेम चीज़ें पढ़ते पढ़ते हम बोर हो रहे हैं, वी वॉन्ट समथिंग न्यू टू रीड. बट लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक दैट इन UPSC देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज बोर्डम फ्रॉम दी सब्जेक्ट्स. So you will have to keep revising again and again the same material that you might have read बहुत ज़्यादा बार. तो revision is the key. And in the second part I have also written that why revision is very very important and how to do your revisions. तो let's cover the revision वाला portion ही अभी. तो revision में ये चीज़ important है कि जैसे आपने कोई एक book, suppose कीजिए आपने एक book पढ़ ली है एक बारी, सेकेंड टाइम भी आपने उसकी रीडिंग दे दी है, अब थर्ड या फोर्थ टाइम यू डू नॉट नीड टू रीड द इंटायर बुक अगैन. बट मेक श्योर जब आप सेकेंड रिविजन कर रहे हैं, यू मार्क विद अ डिफरेंट पेन और यू हैव सम सिम्बल्स टू डोनेट टू डिनोट वहाँ पे. जैसे कि मैं क्यू लिख देती थी, वट एवर लाइन्स आर देर आई जस्ट मार्क इट एंड राइट क्यू. क्यू मीन्स दैट अ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन, एंड आई यूज टू रिवाइज ओनली दोज लाइन्स. The third way of revising for me was कि whenever I used to give a mock paper or appear in the mock, तब उसके बाद when I used to analyze it, तो मुझे पता रहता था कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरी वीक हैं, तो मैं specifically उन चीज़ों को जाके उन चीज़ों पर work करना start कर देती थी. तो this is how I used to revise.
एंड ऑल्सो इन योर टाइम टेबल कीप वन और वन डे फॉर रिविजन. जैसे कि अगर आपने 5-6 days अपना स्टडी कर लिया है तो एक दिन आप रखें कि दिस इज़ माई रिविजन डे, ताकि वो 5-6 days का आपके दिमाग में रहे. एंड बिलीव मी, इफ़ यू हैव रिवाइज दैट पोर्शन आफ्टर 5-6 days, इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू रिवाइज इट येट अगैन. एंड बहुत कम टाइम लगेगा आपका जब आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे. सो आई होप कि रिविजन वाला पॉइंट इज नोट्स रिविजन और NCERT रिविजन करना है मैम. येस डेफिनेटली, बिकॉज नोट्स और NCERT आप रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. नोट्स भी रिवाइज करने और NCERTs को भी कीजिए, बट अगैन आई सेट कि इसका रिविजन का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से सारी बुक पढ़ें. विद इन द फर्स्ट और द सेकेंड रीडिंग यू विल कम टू नो वॉट आर द रेलिवेंट पोर्शंस. आप उन्हीं पर ही दोबारा जाके दोबारा से उनको रिवाइज करें. रितु इज आस्किंग इफ NCERT इज इम्पॉर्टेंट और नॉट. रितु हैव ऑलरेडी आंसर द क्वेश्चन एंड आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी आपके पास, तो आप प्लीज़ एक बार जाके दोबारा देख लीजिएगा. न्यूज़पेपर बैकलॉग्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. सो या दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. अगर आपका न्यूज़पेपर रह जाए किसी दिन का, तो आई यूज़ टू मेक श्योर दैट विद इन अ डे आई यूज़ टू कम्प्लीट दैट न्यूज़पेपर. तो एक या दो दिन से आप न्यूज़पेपर का बैकलॉग ना रहने दें, बिकॉज वो एक बार ही अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको अगले दिन कम्प्लीट करेंगे, तो फिर नेक्स्ट डे वाला जो है वो नेक्स्ट दिन दोबारा से आपका बैकलॉग पेंडिंग रह जाएगा. सो द ओनली थिंग आई हैव टू से इज़ कि आप अगर किसी दिन ब्रेक पे भी हैं, तो मेक श्योर कि यू रीड द न्यूज़पेपर ऑफ दैट डे. आप अपनी बाकी सब्जेक्ट से ब्रेक ले लीजिए, बट न्यूज़पेपर्स को फिर कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है. Now let's come on the previous year questions ka importance, which I have also dealt with in the second part of the book very nicely, that how important are the previous year question papers somewhere here in the contents page. So previous year questions ka jo importance hai, it's not ki aap usko padhein aur usko rat lein bas, because questions are not repeated in the examination, and I would say ki bahut negligible chances hain that they will be again repeated. But what is the benefit of going through previous year questions is that A, you know what kind of topics are important for UPSC, what kind of questions UPSC wants, and what kind of preparation they want from you. For example, आपने अगर polity पढ़ लिया है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, you might not be knowing कि कौन से portions ज़्यादा relevant है. तो लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे, यू विल नो कि जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर मच आस्क्ड क्वेश्चंस. तो इट्स बेटर यू प्रिपेयर देम नाइसली एटलीस्ट. एंड द सेकंड थिंग आई यूटिलाइज्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर दैट जितने भी जैसे हमारे ऑप्शंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, देयर आर 4 options. आई ऑल्सो यूज टू गो टू एवरी ऑप्शन एंड एक्सप्लोर इट अ लिटिल फर्दर. और इस चीज़ ने पर्टिकुलरली मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज आई रिमेंबर 2013 या 14 में एक ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन था रिवर्स के ऊपर. तो देर वर 4 rivers दैट वर मैंशन इन दी ऑप्शन, एंड आई हैड नो आइडिया अबाउट द 2 rivers कि वो कहाँ से आती हैं. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड बिकॉज आई न्यू कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ आई हैव टू नो अबाउट दीज 2 rivers, तो मैंने जाके गूगल कर लिया एंड आई न्यू कि फ्रॉम वेयर दे वर. एंड इंसिडेंटली इन द प्रिलिम्स दैट आई अपीयर इन माई सेकेंड अटेम्प्ट, दैट रिवर वॉज आस्क समवेयर. सो डायरेक्टली आई कुड रिलेट एंड आई कुड गेट वन ऑफ माई क्वेश्चन करेक्ट, बिकॉज मैंने ऑप्शन को आगे एक्सप्लोर कर दिया था. सो दीज आर दी स्मॉल थिंग्स दैट वी डू नॉट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू, बट दीज डू मेक अ डिफरेंस. तो हमें लगता है कि हमने बुक्स भी इतनी पढ़ ली हैं और इतना हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, इट बिकम्स टू टायरिंग. बट ये कुछ रूल्स ऑफ द गेम है, एज आई मैंशनड इन दी बुक, विच आर समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर. तो अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आप अपने चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड को रिड्यूस कर रहे हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्लीज़ ध्यान में रखें, एंड स्पेसिफिकली जब आप प्रिलिम्स आने वाला है या मेंस आने वाला है, आई विल सजेस्ट कि चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत बार उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, मेक श्योर दैट यू डू देम वंस अगैन जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम. Is it possible to start preparation for UPSC at the age of 28? Yes, Ranjit, I think there is the age criteria that UPSC has. Uske andar agar aap fall kar rahe hain, toh it's definitely possible. And I will give you examples from here in our training. There are so many ऑफ आर बैचमेट्स जिन्होंने 28 के बाद ही स्टार्ट किया है एंड वो 29-30 की एज पे यहाँ पे आए हैं. सो देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ़ यू स्टार्ट देर.
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज रिगार्डिंग द मॉक पेपर्स. सो इन द वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा जिस्ट में आई विल लेट यू नो. अदर थिंग्स आई कवर्ड इन वेरी डिटेल इन दी बुक कि मैं मॉक पेपर्स कैसे देती थी एंड हाउ डिड आई बेनिफिट फ्रॉम दी मॉक्स. सो देर आर 3-4 बेनिफिट्स ऑफ गिविंग दी मॉक एग्जाम. वन इज़ ऑब्वियसली कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चंस की एंड यू नो कि वेयर आर यू स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन. तो फॉर एग्जाम्पल यू रेड अ स्पेक्ट्रम की बुक एंड यू आर गिविंग अ मॉक पेपर ऑन हिस्ट्री, यू नो कि आपके दिमाग में कितना गया है. सेकेंड इज दैट यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जो कि एक दिक्कत रहती है प्रिलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. तो मॉक्स हेल्प यू, हेल्प ट्रेन योर माइंड कि आपने इतने मिनट्स में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. एंड बिलीव मी वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, बिकॉज हमें लगता है कि शायद हम एक या दो मॉक्स दे देंगे तो वहाँ पे हम कर ही लेंगे बिकॉज हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड वी बिलीव कि मॉक्स विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज हमारा सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हुआ है. सो दीज आर द बिगेस्ट मिथ्स दैट यू कैन हैव. मॉक पेपर्स आर असेंशियल, मॉक पेपर्स आर वेरी वेरी यूजफुल ऑल्सो. एंड जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे उस फ्रेम में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अडाप्ट बिकॉज 2 hours रहते हैं आपके पास प्रिलिम्स में एंड 100 क्वेश्चंस एंड वेरी लेस क्वेश्चन पर टाइम. यू हैव टू फिल दी OMR शीट ऑल्सो. एंड आई विल सजेस्ट कि प्रिलिम्स के मॉक्स के बाद, एटलीस्ट वेन द प्रिलिम्स इज अराउंड, मॉक्स के बाद यू ऑल्सो कीप सम टाइम फॉर OMR फिलिंग. बिकॉज अदरवाइज वॉट हैपन्स इज कि हम यहाँ तो नहीं OMR फिल करते हैं, वहाँ पर जाके वी आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम बिकॉज OMR शीट भी आपको भरनी पड़ती है. सो यू इट विल बी बेटर इफ़ यू हैव अ प्रिंट आउट ऑफ द OMR शीट एंड यू मार्क इट साइड बाई साइड एंड ड्रॉ योर ओन पैटर्न कि आप एक क्वेश्चन के बाद मार्क करना चाह रहे हैं या फिर सब क्वेश्चन आप एक साथ मार्क करना चाह रहे हैं. एंड सिमिलरली फॉर द मेन्स ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 3 hours के पेपर्स लिखें rather than कि एक या दो questions आप लिख रहे हैं daily basis पे. they are also very important, but before you write the mains exam, it's important कि आप mock papers दिए हों आपने जो 3 hours की sitting हो. इसको भी मैंने book में cover किया है कि why these 3 hours of sitting is important, because 2 hours के बाद your energy starts draining. तो अगर आप दिन में सिर्फ 2 या 3 questions लिख रहे हैं, आप उनमें अपना best ही देंगे and you will never be able to go back in that zone कि 3rd hour में अपनी एनर्जी को यू हैव टू मेंटेन. क्यों तो आप उसमें कैसे मोटिवेटेड रहेंगे कि आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना है इवन व्हेन यू नो दैट यू आर टायर्ड, योर फिंगर्स आर एकिंग और आप इतने सारे क्वेश्चंस छूट गए हैं. तो वो जो एक फीलिंग है वो आपको एक मॉक पेपर आप जब देंगे तो आपका टाइम भी सूट रहेगा एंड यू विल नो कि अगर इतना टाइम बचा है तो मैं इतना लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ. आई होप कि मॉक्स के रिलेटेड वी डू नॉट हैव एनी अदर क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चंस अभी भी आपके मन में हैं जो चीज़ें हमने अभी तक कवर की हैं, वो आप मुझे प्लीज़ लेट मी नो योर डाउट्स सो दैट वी कैन गेट डन विद एटलीस्ट दीज टॉपिक्स एंड देन हम आगे विल मूव. हाउ मेनी मॉक्स फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस एंड फ्रॉम विच कोचिंग सेंटर? ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कितने मॉक्स सॉल्व किए जाएँ. तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका, आपको कितने मॉक्स देने के बाद यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, बट आई विल सजेस्ट प्रिलिम्स में जितने हो सके आप उतने दीजिए. मैंने 70-80 मॉक्स दिए थे बिकॉज आई फेल्ट कि आई रियली नीडेड दैट प्रैक्टिस एंड मेंस में मैंने हर GS 1, 2, 3, 4 के 2 फुल टेस्ट ईच और सेक्शनल टेस्ट दिए थे. और इंस्टीट्यूट के आप किसी भी इंस्टीट्यूट के उठा सकते हैं, दैट इज़ नॉट समथिंग विच विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. मेक श्योर यू रिवाइज the mocks also. So another thing I wanted to cover in mocks was कि आप mock paper देने के बाद उसको बस छोड़िए मत कि आपके जितने भी questions correct हैं, जितने भी marks आ गए हैं, make sure you revise each and every mock because that will actually tell you where your preparation is. So go through the mock paper, go through your answers, know which are the topics that you were not good in or you need revision and revise them. Secondly, also know which are the topics where you made a guesswork and they did not work. And that will give you an idea of how good you are with your guesswork, and that will also give an idea about how many questions you should attempt in the actual examination. So I hope these 2 things I have made clear, that why the revision of the mock papers is also very important. Same goes in the mains also. So if you've written a paper, make sure you go back again, read your answers yourself, check होके तो answers आ ही जाएंगे, लेकिन
आप जो खुद से एनालिसिस करेंगे कि ये भी लिख सकते थे, वो एनालिसिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन द एक्चुअल एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोज कीजिए कि कोई इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन है, एंड यू जब आपने मॉक लिख दिया उसके बाद यू एनालाइज इट एंड यू थिंक कि अरे इस रिपोर्ट को भी हम कोट कर सकते थे, तो अब वो रिपोर्ट आपके दिमाग में रह जाएगी. एंड व्हेनेवर देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन एनवायरनमेंट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, तो आप रिपोर्ट इजीली कोट कर सकेंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड द मॉक पेपर एंड यू नो वेर योर मिस्टेक्स वर. एंड आई हैव बीन नोटिंग डाउन योर क्वेश्चंस, आई विल जस्ट आंसर देम इन द मीनवाइल. अभी कुछ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड, अदर्स ऑल्सो प्लीज कीप थ्रोइंग द क्वेश्चंस सो दैट वी कैन be a little more efficient. How to understand the syllabus? Okay. तो understanding of the syllabus के लिए आई थिंक prelims का तो जो syllabus है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने concrete way में नहीं दिया हुआ है. That are only subjects that they have mentioned. But in mains, each and every line of the syllabus is very, very important. And that is another thing I would want to highlight, that do not start your preparation without reading the syllabus, specifically of mains. And mains